बसमिल ये रास्ता अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का रास्ता है आपकी ज़िंदगी इंसानियत के लिए आईना है इंसानियत को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला की तरफ़ से वो सारी हिदायत पहुँचाई हैं जो कुरानी करीम में अल्लाह तबारक व ताली ने उतारा है या जिसे वही की शक्ल में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अल्लाह तबारक व ताली ने पहुँचाया है ज़माना कितना भी दूर चला हाला भी जाए हालात कितने भी ज़्यादा बिगड़ जाएँ मसाइल कितने भी ज़्यादा पैदा हो जाएँ उलझ जाएँ ये जो रोशनी अल्लाह के नबी की, की रोशनी है आपकी सुन्नत की रोशनी है आपकी सीरत का नूर है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई हिदायत की किरने हैं ये इंसानियत को हर तरह के नाजुक हालात में रहनुमाई करने का रोशनी पहुंचाने का सबसे बड़ा ज़रिया है और जब फितने मुश्किल परेशानियाँ आजमाइशें बढ़ जाएँ तो इसकी अहमियत भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है हालात की संगीनी की तरफ़ इशारा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी बहुत सारी हदीसों में किया है मुहदसिन ने अपनी किताबों में उन हदीस को फ़ितनों के बाब में मलाहिम के बाब में ज़िक्र किया है साहब कराम ने इन बातों को सुना है और अगलों की रहनुमाई के लिए इन बातों को अपनी ज़बान में भी पहुँचाया है सुनन दारमी वगैरह की रिवायत में एक क़ौल हजरत अब्दुल्लिबिन मसूद रजी अल्लाह का तरूफ है मशहूर है इमाम दारमी ने अपनी सुनन के अंदर इसी तरह से दीगर मुसनफ़िन ने अपनी किताबों में नक़ल किया है और अलबानी रहा आल ने अपनी किताब सही तरगीब व तरहीब में इसे सही करार दिया है अब्दुल्लबिन मसूद रजी अल्लाह तबू अब्दुलरहमान अपने वक्त में अपने सामने मौजूद लोगों को रहनुमाई करते हुए बड़ी ही अजीम हीज़ीम्शान बातें बयान फरमाते हैं आप सोचें गौर करें कि किदरत बिन मसूद रजी अल्लाह तुम के मुखातब कौन थे या तो आपके साथी सहाबे के राम थे या और आप या आपके शागिरदान हज़रत ताबीन थे और ये कितनी अजीम श्शान रहनुमाई है कितनी अजीम श्शान हदीस है कितना अजीम्शान असर है इब्ने मसूद रजी ताला का कि अगर आपने उस वक्त अपने साथियों को और अपने शागिरदान को यानि सहाबा साथियों को और ताबीन शागिरदान को ये बात बयान फरमाई है जो खैरलकुरून का दौर था खैरलकुरून का ज़माना था तो हमें ये सबक लेने की ज़रूरत है कि मुस्तबिल के हालात कितने ज़्यादा पेचीदा हो जाएंगे कितने नाजुक हो जाएंगे हालात इसका हम अच्छी तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं इबन मसूद रजी अल्लाह तैन का असर क्या है वो मैं आपके सामने पढ़ूं और उसका सरसरी तौर पर खुलासा आपके सामने पेश करूं। हमें उम्मीद है कि ये असर इंसानियत के लिए बहुत बड़ी रहनुमाई का ज़रिया है फरमाते इबन मसूद रजी अल्लाह तन कई अन तुम इज़ा लबी सतकुम फित नरबो फी हग़ीर वील कबीर व तखी दहन ना गुएरत कालु ताला कहा, क्या हाल होगा उस वक्त साथियों जब फितना तुम्हें घेर लेगा अपनी लपेट में ले लेगा फितना तुम्हें अपनी लपेट में ले लेगा लबिसत यानी गशियत तुम्हें घेर लेगा तुम्हें अपनी लपेट में ले लेगा इधर से फितना उधर से फितना आगे से पीछे से हर तरफ से फितना ईमान का फितना अकीदे का फितना इबादत का फितना मनहज का फितना सलूक का फितना अमल का फितना साल अमल साल या अमल फासिद फितने ही फितने हर तरफ से बद अखलाक़ी का बदकिरदारी का फितना बेहयाई का जिनाकारी का बदकारी का फितना ऐसे बहुत सारे फितने तुम्हें जब घेर लेंगे तो उस वक्त तुम क्या करोगे तुम्हारी क्या हालत होगी मेरे भाइयों, इब् मसूद रजी अल्लाह तु ने फरमाया कि हालत ऐसी होगी उस वक्त कि उसी फितने की हालत में एक पैदा होने वाला बच्चा पैदा होगा और उसी फितने ही में धीरे धीरे परवरिश पाएगा पलेगा बढ़ेगा धीरे धीरे पल बढ़ करके वह जवान हो जाएगा और जवान जो होगा उसी फितने की हालत में मज़ीद अगली उम्र उम्र के अगले साल गुजारते हुए धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा वो बूढ़ा हो जाएगा यानी पता ही नहीं होगा सुन्नत कहाँ है सीरत कहाँ है हिदायत कहाँ है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुबह शाम कहाँ है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकबाल कहाँ हैं आपके अफ़ाल कहाँ हैं आपकी तकरीरत कहाँ हैं आपने क्या हिदायत दी आपकी फतावे क्या हैं आपके फ़ैसले क्या हैं आपके रहनुमाइयाँ क्या है पता ही नहीं बिल्कुल कोई सरोकार ही नहीं बच्चा उसी फितने में पैदा हो रहा है और उसी में पल बढ़ कर के जवान हो रहा है और जवान भी उसी फितने में है उसी हालत में उसी फितने की हालत में वो बूढ़ा हो रहा है यह हालत हो जाएगी हालत ये हो जाएगी जब लोगों को पता ही नहीं ना बच्चे को पता जो जवान हुआ है उसी फितने में और ना उस जवान को पता जो बूढ़ा हुआ है उसी फितने में उसके सिवा सुन्नत का पता ही नहीं कि सुन्नत कहाँ है तो हालत ये हो जाएगी कि वही जो फितना जब आएगा जिसमें लोग बच्चे जवान होंगे जवान बूढ़े हो जाएंगे उस फितने की हालत ये हो जाएगी कि उसे लोग सुन्नत बना लेंगे सुन्नत बना लेंगे यही सुन्नत है यही दीन है यही अकीदा है यही अमल है यही किरदार है लोग उसे सुन्नत बना लेंगे अब जब सुन्नत बना लेंगे क्योंकि वही देखा है उसके अलावा कोई चीज तो देखा नहीं सुन्नत की असल सुन्नत को जानते ही नहीं है लोग तो अगर कोई अल्लाह का बंदा खड़ा होगा उस सुन्नत के उस बातिल के खिलाफ उस फितने के खिलाफ जिसे सुन्नत बना लिया गया है अगर उसके खिलाफ खड़ा होगा जबान खोलेगा कलम चलाएगा रद्द करेगा नकद करेगा उस फितने की फितना अंगेजी को बयान करेगा उसको उसकी बिदात होने को बेनकाब करेगा उसकी शर को उसके फसाद को नंगा करेगा तो लोग उसे कोसना शुरू कर देंगे कहेंगे ये कौन सा आदमी आ गया जमाने से सुन्नत हमारी चल रही थी इसी में हम पैदा हुए इसी में हम पल बढ़ करके जवान हुए इसी में हम बूढ़े हो गए आज तक तो हमने इसके सिवा कुछ देखा नहीं आज ये इसे बदलने वाला कौन पैदा हो गया सुन्नत लोग कहेंगे सुन्नत को बदल दिया जा रहा है अगर कभी बदला जाएगा उसको उस फितने को जिसको लोगों ने सुन्नत समझ रखा है तो लोग कहेंगे अरे सुन्नत को बदला जा रहा है और बाज रिवायतों में है कि लोग कहेंगे हाजा मुनकर अरे ये तो बहुत गंदी बात ये क्या तरीका है लोग बदलने लगे बाप दादा के ज़माने से हम बचपन से जब से आंखें हमने खोली हमने यही देखा हम तो कुछ जानते ही नहीं है ये नया तरीका लोगों ने कहां से शुरू कर दिया तो उस सुन्नत उस उस फितने को जिसे लोगों ने सुन्नत बना रखा होगा उसकी इसलाह करने वाले को लोग फितना कहेंगे उसको मुनकर कहेंगे और ऐसे इनकार करने वाले को लोग फसादी कहेंगे उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे और कहेंगे सुन्नत को बदला जा रहा है मेरे भाइयों भाईयों सूरत हाल है जिसका जिसका नक्शा इबन मसूद रजी अल्लाह तआला ने खींचा है अब हालात दिन ब दिन किस तरह से बिगड़ते चले जा रहे हैं इबन मसूद रजी अल्लाह तआला से लोगों ने पूछा वो मता जा वो मता जा का यह अब अब्दुलरहमान अबू अब्दुलरहमान अब भला बताइए कि ये जो आप बात बता रहे हैं ये होगा कब ऐसे हालात कब आएंगे ये सूरत हाल कब पैदा हो जाएगी आखिर ये कैसे हो गया हो गया ये कैसे होगा कि कोई बोलने वाला नहीं कोई सुन्नत बताने वाला नहीं कोई बिदात और सुन्नत में तफरीक करने वाला नहीं कोई हक को हक कहने वाला बातिल को बातिल कहने वाला नहीं ये ऐसे कैसे हो जाएगा कि बच्चा उसी में पैदा हो और पल बढ़ करके जवान हो जवान उसी में बूढ़ा हो जाए ये कब होगा तो इब्ने मसूद रजी अल्लाह तुमने क्या फरमाया उन्होंने फरमाया जब तुम्हारे पढ़ने वाले ज्यादा हो जाएंगे इल्मे कम हो जाएंगे ईदा कसुरत कर्राकुम व्लत फुका जब तुम्हारे सही मानों में सच्चे ओलमा फुकाहा जो दीन के वाकई इल्म रखने वाले ये भी कम हो जाएंगे और बहुत ज्यादा स्टडी के नाम पर ये पढ़ा वो पढ़ा दाएं बाएं आगे पीछे जो समझ में आया बहुत ज्यादा जिसको कहते हैं बहुत ज्यादा सकाफा है बहुत ज्यादा डीप स्टडी है बहुत ज्यादा वास्ट स्टडी कर रखा है दुनिया की सारी चीजों को पढ़ता है सुनता है सुबह शाम क्या कहा कहा जब पढ़ने वाले बहुत ज्यादा हो जाएंगे लेकिन सही मानों में इल्म वाले कम हो जाएंगे बाजर वह तो में जब यानी यानीमा कम हो जाएंगे जोहला ज्यादा हो, हो जाएंगे और आगे क्या फरमाया आगे फरमाया जब तुम्हारे उमरा ज्यादा हो जाएंगे लेकिन सच्चे और अमानदार किस्म के लोग कम हो जाएंगे तब ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाएगी और आगे क्या फरमाया और आगे फरमाया वह तो फुक तिहाली गैर दीन और लोग जो दीन का इल्म भी हासिल करेंगे वो दीन के लिए नहीं हासिल करेंगे बल्कि दुनिया के लिए हासिल करेंगे कोई शोहरत के लिए हासिल करेगा कोई माल के लिए हासिल करेगा कोई दौलत दौलत के लिए हासिल करेगा कोई पब्लिसिटी के लिए कोई नाम व नमूद के लिए कोई चर्चे के लिए कोई मुख्तिक मकासद के पेश नज़र वह तुफुक की हाली गैर दीन दीन के अलावा के लिए फिक्र और इल्म किया जाएगा तब ये सूरत हाल पैदा होगी और आखिरी जुमला क्या फरमाया वल तुम इस सची दुनिया बेमर आखिर और आखिरत का अमल करके दुनिया तलाश की जाएगी काम ने की का जैसे अल्लाह तबारक व तौ की रजा जन्नत मफ़रत रजामंदी अल्लाह तबारक वाली की अल्लाह तबारक व तला के आखिरत में कामयाबी वाला जो अमल होता है ऐसे आखिरत के कामयाबी वाले काम दुनिया को हासिल करने के लिए किए जाएंगे उस वक्त उम्मत का ये हाल हो जाएगा कि फितने ऐसे हो जाएंगे कि उसी को दीन बना लिया जाएगा और उसके खिलाफ बात करने वाले को मुनकर कहा जाएगा मुनकिर कहा जाएगा उनके खिलाफ जबान खोली जाएगी उनके खिलाफ लोग आवाजें उठाएंगे बातिल ऐसे हावी हो जाएगा बिदात हावी हो जाएंगी शर हावी हो जाएगा फसाद हावी हो जाएगा इतना हावी हो जाएगा शर कि हक दब जाएगा सुन्नतें खो जाएंगी अल्लाह के नबी वसल्लम और सहाबे किराम का जो सच्चा रास्ता है जो दुनिया में अमन शांति का सुकून का और आखिरत में अल्लाह तबारो को तला की जन्नत और नफरत का रास्ता है वो खो करके रह जाएगा गुम हो करके रह जाएगा ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाएगी जब ओलमा कम हो जाएंगे पढ़ने वाले ज्यादा हो जाएंगे ओलमा कम हो जाएंगे जोहला ज्यादा हो जाएंगे जब दीन को जब जब इल्म को दुनिया हासिल करने के लिए कमाया जाएगा दुनिया कमाने के लिए हासिल किया जाएगा दीन 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 को को के लिए नहीं अल्लाह की रिजा के लिए नहीं बल्कि मकासित के लिए हासिल किया जाएगा तब यह सूरत हाल पैदा होगी और आखरत का अमल करके लोगों का मकसद आखरत कामिया, आखरत की कामयाबी नहीं बल्कि दुनिया का दुनिया की शोहरत और दुनिया के मफादात होंगे तब यह सूरत हाल पैदा होगी मेरे भाइयों इस असर से हल्का सा अंदाजा लगाओ इबनी मसूद रजी अल्लाह ने कितनी शान बात की तरफ रहनुमाई फरमाई हम सबको चौकन्ना होने की जरूरत है और ये जो जुमले हैं कुर्रा ज्यादा हो जाएंगे जोहला ज्यादा हो जाएंगे और उलमा कम हो जाएंगे फुका कम हो जाएंगे ऐसे ही दीन को आखरत के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए हासिल किया जाएगा ये अल्फाज याद रखो इन अलफाज को ज़रा माहौल में परख करके देखो मीडिया का दौर है लोग न जाने किन किन मकासद को ले कर के दिन के नाम पर स्टेजों पर आते हैं मेरे भाइयों कोई इल्म के नाम पर आता है कोई किसी मकसद के पेशे नज़र आता है सब के अलग अलग झंडे हैं अलग अलग स्टेज हैं अलग अलग बैनर हैं इसलिए हमें गौर करने की ज़रूरत है कि लोगों के मकासद क्या हैं इसलिए एक जुमला जो बड़ा प्यारा है वह तुफुक की हली गैर दीन दीन के अलावा के लिए इल्म हासिल किया जाएगा मकसद क्या है बताने का मकसद यह है कि फुकाहा होंगे ओलमा होंगे ऐसे भी लोग होंगे जिनको ओलमा जाना जा रहा है जिनको फुकाहा कहा जा रहा है लेकिन हकीकत में वो लिद दीन नहीं होंगे बल्कि गैर दीन होंगे दीन के लिए इल्म हासिल नहीं कर रहे होंगे बल्कि दीन के अलावा के लिए मकासद के लिए इल्म हासिल कर रहे होंगे तो बहरहाल कहने का मतलब यह है कि अजीम उशान नसीहत है अजीम उशान वसीयत है तमबी है आगाही है अल्टीमेटम है सोचो जरा उस वक्त तुम क्या करोगे तुम्हारी हालत क्या होगी जब फितने तुम्हें घेर लेंगे मेरे भाइयों एक मामूली सा पैगाम है इब्ने मसूद रजी अल्लाह तालों का जो बतौर याद दहानी अपनी ज़ात को याद दिलाने के लिए आप तक पहुँचाने के लिए इस मुख्तर से मौके पर और इस फुरुसत में आपके सामने अर्ज़ किया गया हम सब के मुरबी हम सब के मोहतरम हम सबके दिलों की, की धड़कन फजील शेख़ जफरुल हसन मदनी हफ़िज़ाल्ला तशरीफ़ ला चुके हैं जिनके लिए मजलिस आज की मनद की गई है मैं बड़े ही अदब के साथ एहतराम के साथ शेख़ मोहतरम से मुलतम हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपने ग्रा कदर खिताब से हम सबको मुस्तफ़ी फ़रमाएँ जजाकुमल ख़ैरन وبارك فيكم ونفع بكم الاسلام والمسلمين والسلام عليكم ورحمه الله